अंदर स्टूडियो में। कौन से प्रोडक्शन में भैया? अभी तो बात करनी है। अच्छा कौन सा काम मिलेगा? चल साइड पे भैया। भैया अरे साइड पे होना यार। हेलो अबे हट जो पीछे। आमिर खान हेलो। सलाम साहब। हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम। अबे हट मैं मारूं। अरे सचिन तेंदुलकर। अबे हट जाना यार, मार खाएगा क्या? हाय सलाम साहब। देव साहब। हेलो सर। अरे चल हट ना यार। भैया अरे यार। अरे चल दरवाजा बंद कर यार। अरे चला यार पीछे। प्लीज यार। सर थोड़ी आयत तेने सेल्फो की प्रॉब्लम है, क्रिकेट भी खेला नहीं जा रहा, मुझे अपनी फिल्म में चांस दीजिए ना। सचिन आपकी एल्बो प्रॉब्लम को लेकर, आपके बल्ले को लेकर तरह तरह की बातें आती हैं। कुछ भी कहते हैं लेकिन बेहतर तो आप ही जानते होंगे, मगर मैं ये जानता हूँ कि जिस दिन आपकी ये क्रिकेट की दुनिया में वापस एल्बो प्रॉब्लम के बाद उतर गए, हंगामे पर हंगामे करते चले जाएंगे, नए रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स कायम करते चले जाएंगे। मेरी दुआएं आप साथ। आप तुम्हारे सामने मिस्टर इंडिया खड़े लाए। और जनाब आप ये क्यों भूल जाते कि आपके सामने भी ऑस्कर अवार्ड तक पहुंचने वाला मंगल पांडे खड़ा है क्या? अबे रुक रे, किधर जा रहे? अबे रुक जा रहे, ए पागल। आज मेरे सामने मंगल पांडे बन के खड़े लाए। और तुम क्या हो जो एक वक्त राम लखन मेरी जंग जैसी फिल्म देने वाला आज सक्सेस सीन दे रहा है क्यों? आप लोगों का हो गया हो तो टेक करो। Why not? सचिन। यस सर। ये क्लैप लाओ लाओ। हेलो सर। अब कट करे यार, कौन आ गया भूतिया? सर आप मुझे ऑफिस में आकर मिलिए प्लीज। आइए आइए, मैं आपका काम करवाता हूँ। चलो मेरे भाई। आप ऑफिस में आकर मिलिए। सचिन कैमरा। मैंने क्लैप दिया है ना, क्लैप। चीफ मिनिस्टर मोहर शॉट। एक्शन। अरे भाई संभालो इसको, हीरो बनना है, शूटिंग में डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा बैठ 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 संभाल मेरे भाई, संभाल के बैठ, संभाल के बैठ। आ जा भाई बैठ। भाई साहब यहाँ पर कौन कौन सा स्टार आने वाला है? अरे भैया हमें क्या पता कौन सा स्टार आने वाला है, तो ऐसे ही चले आए बिना पता लगाए ही। मतलब हम क्यों पता करें? भाई साहब स्टार देखने आए हो तो पता तो चलना चाहिए ना कि बच्चन साहब है कि नहीं। अच्छा संजय दत्त आएगा क्या? ओ भाई साहब हम लोग जूनियर आर्टिस्ट हैं समझे, और हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं समझे, आपकी तरह आर्टिस्ट देखने के लिए नहीं। अच्छा तो मैं कौन सा स्टार देखने आया हूँ? मैं भी आर्टिस्ट हूँ। अच्छा तो किस फिल्म में काम कर रहा है? यार यही तो बात करने आया हूँ। अरे भैया किधर के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश इंदौर का। तुम्हारे गाँव का है? काम मिल जाएगा यहाँ पे? मेरे भाई पता नहीं हमारे यहाँ कब किसी को क्या मिल जाए, कब किसी का क्या छिन जाए, कुछ कह नहीं सकते। हाँ अगर एहसास हो जाए कि दाना पानी मिलना भी मुश्किल हो रहा है तो फिर इरादा बदल ही देना चाहिए, समझ गए? भाई साहब आप लोग तो मुझे डराने लगे, एक बार इरादा बना लिया ना तो कुछ करके ही जाएंगे। हाँ और देखना आप लोग भी काम करना हमारे साथ। हाँ दोस्त बिल्कुल करेंगे आपके साथ काम। वैसे वो साहब को देख रहे हो, आपकी बात सुनकर उनकी याद ताजा हुई। वो हीरो बनने आए थे? अरे हीरो ही नहीं, तुम्हारी तरह ही हैंडसम और खूबसूरत थे, पूरी उम्र बीत गई हीरो बनने के चक्कर में। ओ भाई साहब हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लो। रोशन भी मुझे से एक्टिंग सीखा था। पाया लागू। नमस्ते। ये एक्टर बनना चाहता है सर? बना देंगे तुम जाओ। पर खुरदार माँ के पेट से कोई एक्टिंग सीख कर नहीं आता, इसलिए हमने एक्टिंग सिखाने के लिए स्कूल खोल रखा है जहाँ डिक्शन सिखाई जाती है, यानी कि डायलॉग बोलने का तरीका। एक्टिंग सिखाई जाती है, एक्टर को चलना कैसे चाहिए, थोड़ा सा डांस आना चाहिए, थोड़ी सी स्विमिंग, घुड़सवारी, हल्की सी ढिशुम ढिशुम ढिशुम, जब ये सब चीजें आ जाएंगी तो तुम खुद ब खुद एक्टर बन जाओगे। सर ये सब सीखने में कितना खर्च आएगा? एडमिशन के वक्त तो सिर्फ 60,000 रुपया, और फिर जब मैं एक्टिंग सिखाकर तराश के रख दूंगा तो फिर जो प्यार से दोगे मैं ले लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। शिक्षा के लिए पिताजी से पैसे लिए थे, शिक्षा में ही काम आएंगे। ये लीजिए 50। दस सर। वेरी गुड वेरी गुड।
अब चिंता मत कर, मैं तुम्हें आमिर खान बना दूंगा, सलमान खान बना दूंगा, ना जाने क्या क्या बना दूंगा। डर साहब, मैं आपको लाखों बार चिल्ला चिल्ला कर कह चुका हूँ कि मैंने खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। शट अप, हर मुजरिम खून करने के बाद यही कहता है कि उसने खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, और यही सच और झूठ को साबित करने के लिए बनाई गई है पुलिस स्टेशन और ये अदालत। वाह 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 वाह, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है। आपको आइडिया कैसे आया सर, आपने जेल में ही एक्टिंग स्कूल खोल लिया। जेपी, दरअसल मेरे ट्रेंड किए हुए स्टूडेंट्स को ज्यादातर जेब कतरों के या पुलिस इंस्पेक्टर के रोल मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक्टिंग स्कूल ही जेल में खोल लिया जाए। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी। मजा आ गया फिरोज। बाय लागूं गुरुजी। वेरी गुड। इस तरह अंग्रेजी बोलना सीखोगे तो जिंदगी भर नहीं बोल पाओगे। अरे अंग्रेजी बोलना कोई हंसी खेल है कि जो चाहे बोल ले। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे रात रात भर खून जलाना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती, तब कहीं जाके ये भाषा आती है। वेरी गुड, तुम भी पतली गली से निकल जाओ।